अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि बीए पार्ट टू यानी कि फोर्थ ईयर का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसी की एक ये बुक है, उस जो कि नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका मैं आज आप लोग के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है शेयर करूँगी, वो दिखाऊंगी आप लोगों को, जो कि वो भी नहायत ही इजी वर्डिंग में है। तो जिस तरह मैं आप लोगों के साथ पहले सारे सीक्वेंस वाइज जो है ना इसके क्वेश्चन शेयर करती आ रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया कि द ओल्ड मैन एंड द सी जो कि नोवेल है इसके आप लोग बस 10 क्वेश्चन करें जो कि इनके मल्टी आंसर है, तो उसके अलावा आपको इससे मज़ीद याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये याद कर लेते हैं अच्छे से तो आप पीए के पेपर में पास हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ ये नोवेल के ही क्वेश्चन याद करने हैं, मतलब इसके अलावा जो आपका पेपर की बाकी चीज़ें हैं वो भी आपने करनी है इंशाल्लाह, वो भी मैं इसी तरह वन बाय वन आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करती जाऊंगी। यानी इसके जो ऐसे हैं या लेटर लिखना जो एक मल्टी हो वो सिखाऊँगी, इस तरह मैं सारी चीज़ें आप लोगों को ना अपनी वीडियोज़ में बताऊँगी। तो स्टूडेंट, अगर तो आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर कोई भी मेरी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट, ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 7 नोवेल ओल्ड मैन एंड द सी का। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कुछ 3 तरह से बताया गया है कि अगर इनमें से किसी भी तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में तो आप लोगों ने बस ये आंसर कर देना है, जो कि नहायत ही इजी वर्डिंग में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो और ये आगे जो है ना 1 पेज, ये तो बस ये आप लोगों ने करना है। तो इंशाल्लाह इस तरह जो आपके पेपर का नोवेल वाला पार्ट है जो वो कवर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये जो बस करना है। तो स्टूडेंट, मेरी इन वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें ताकि बाकी बच्चे जो कि बीए की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो उन बच्चों के लिए भी आसानी हो जाए, क्योंकि ये मल्टी आंसर हैं ताकि वो बच्चे भी याद कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग को वीडियो चाहिए, कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना आ रही हो ताकि मैं उन पर भी वीडियो बना सकूं। तो एक बार फिर पीछे से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और ये देखें ये है आंसर। तो स्टूडेंट, बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी, तब तक ले अल्लाह हाफिज़।